हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट्स। आज मैं एक ऐसे सैकुलेंट के बारे में बात करूंगी, ना वो सीड से उगाया जा सकता है और ना ही वो कटिंग से उगाया जा सकता है। दुनिया में हजारों लाखों पेड़ पौधे होते हैं जो सीड से यानी बीजों से उगाए जाते हैं या फिर कटिंग से उगाए जा सकते हैं, लेकिन ये जो पौधा है ना सीड से उगाया जा सकता है और ना ही कटिंग से उगाया जा सकता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट मदर ऑफ 1000 हजारों बेबी प्लांट्स एक साथ देता है और केयर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस प्लांट को मदर प्लांट कहा जाता है। वैसे तो कैलेंचो के नाम से ये जाना जाता है। इसे मदर प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ही प्लांट से हजारों प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। तो देखिए, वैसे तो ये एक ही सैकुलेंट प्लांट है। जो इस प्लांट की लीफ है उनके जो किनारे होते हैं, इन किनारों पर जो आपको घुंघरू की तरह दिखाई दे रहे हैं, ये ही बेबी प्लांट्स हैं। ये प्लांट की एक ही लीफ पर 100 से 150, 200 तक की तादाद में प्लांट है। इन बेबी प्लांट की ही एक और खास बात है, जरूरी नहीं कि इन बेबी प्लांट को खुद से उगाए, इनकी केयर करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बेबी प्लांट हाथ लगने से, तेज हवा चलने से जहां झड़कर गिर जाते हैं वहीं मिट्टी में खुद पे खुद ही उग जाते हैं। जरूरी नहीं है इन बेबी प्लांट्स की केयर करें या कोई भी खाद पानी डाले, नहीं। इस प्लांट की पानी भी अगर काफी टाइम बाद दोगे तो ये भी प्लांट खराब नहीं होंगे। ये नॉर्मल मिट्टी में भी आराम से चलते हैं। कैलेंचो की एक और खास बात बताती हूँ, ये इंडोर आउटडोर दोनों हैं। ये मदर प्लांट मेरे पास बहुत सारे हैं, कुछ मैंने इंडोर रखे हुए हैं और कुछ आउटडोर। इन दोनों में मैं आज आपको फर्क बताऊंगी। बस फर्क ये है कि जो इंडोर होते हैं इनकी लीफ लाइट ग्रीन हो जाती है और लीफ में बहुत ही शाइन होती है और इनकी जो लीफ बहुत ही फैल कर चलती है। और जो कैलेंचो आउटडोर होता है ना उसकी लीफ में कोई शाइन होती है और ना ही वो फैल कर चलता है और काफ़ी थिक सा होता है और उसका कलर डार्क ग्रीन हो जाता है। अब बात करते हैं मदर प्लांट के लीफ पर जो बेबी प्लांट्स होते हैं, वो देखने में बहुत सुंदर तो लगते ही हैं। जब हम लीफ पर जमी धूल को साफ करते हैं वो झड़ जाते हैं, जैसे ये मेरा मदर प्लांट से झड़ गए हैं। वैसे तो ये अपने आप भी झड़ जाते हैं क्योंकि जब ये छोटे बेबी प्लांट होते हैं ठीक है, लेकिन जब वो थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं तो खुद ही झड़ जाते हैं, क्योंकि इनका वेट जैसे जैसे बढ़ता है तो वैसे वैसे ही झड़ जाते हैं और जहां पर गिरते हैं वहीं उगने लगते हैं। देखने में तो ये प्लांट बहुत सुंदर लगते हैं। अब बात करते हैं मदर प्लांट की केयर की। तो इसे केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक सैकुलेंट प्लांट है, इसे पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है। अगर हम इस प्लांट की केयर बहुत ही कम करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करेगा। अगर आप इसे तेज़ धूप में भी रखोगे तो ये ख़राब नहीं होगा, बस थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, सूखेगा नहीं। और इसकी लीफ तो कभी येलो होती ही नहीं है, बस सूखती है। वो भी कैसे, जब ऊपर वाली लीफ फैल कर चलती है तो नीचे वाली लीफ दब जाती है और दबने के कारण ही वो सूखने लगती है, क्योंकि उसे हवा नहीं मिलती है इसलिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, नीचे वाली लीफ को हटा देना है और ऊपर वाली लीफ जो है अच्छे से फैल कर चलेगी, अच्छे से ग्रो करेगी और बहुत ही अच्छे से वो सैकुलेंट चलेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये जो मदर प्लांट है, इसमें से जो बेबी प्लांट झड़ झड़ कर इस मटकी में गिर चुके हैं, देखो कैसे उगाए हैं अपने आप से। मैं अब आपको छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकाल कर दिखाऊंगी और मैं इनको लगा कर भी दिखाऊंगी। देखिए, छोटे छोटे से प्लांट देखने में तो बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। अगर इस मदर प्लांट की सुंदरता की बात करें तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मदर प्लांट की लीफ होती हैं इनसे बेबी प्लांट ना हटे,
क्योंकि उनसे ही तो सुंदरता बढ़ती है। ऐसा लगता है कि लीफ में चारों साइड घुंघरू लगे हुए हों। पर ये बेबी प्लांट्स हट ही जाते हैं क्योंकि जैसे इनका वेट बढ़ता है तो ये नीचे की साइड ही गिरते हैं। अब बात करते हैं इस मदर प्लांट की, तो मैंने कभी ना इसको गुड़ाई की है और ना कभी कोई खाद डाली है, और अगर मैं पानी डालना भूल भी जाती हूँ तो ये बेचारा इतना अच्छा प्लांट्स है कि सूखता ही नहीं है। अब बात करते हैं सैकुलेंट की, कि इसको पॉट कैसा चाहिए। तो ना बड़े पॉट में लगाना, ना बड़े कंटेनर में, इसको छोटे पॉट में लगाना है, मटकी में लगाना है, या फिर कोई भी प्लांटर छोटा हो, जैसे कि मैंने यहाँ छोटे प्लांटर लिए हैं और नॉर्मल हल्के से मैंने इनमें होल किया है और एक एक बजरी रखकर नॉर्मल मिट्टी है, ना इसमें कोई खाद है ना सैंड है, बस मेरे गार्डन की सॉइल है। और देखिए इनको लगाना भी बहुत आसान है, इस तरह से आप इन्हें दबाते जाएं, कोई केयर नहीं, कोई नुलाई नहीं, ये भी नहीं कि इसको धूप में रखना है, छायादार जगह में रखना है, एनीवे आप कहीं पर भी रख सकते हैं। बस हल्का सा पानी स्प्रे कर दीजिए क्योंकि मिट्टी सेट हो जाएगी, और फिर 2 हफ्ते के लिए पानी नहीं डालना। ओके फ्रेंड्स, बाय।